राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ व ठंडाई व जल वितरण किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 30 अप्रैल को शाम 6 बजे राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन हवाबाग चर्च के सामने किया गया, जहाँ राहगीरों को जल वितरण एवं ठंडाई की व्यवस्था की गयी, जो गर्मी भर सूखे कंठ को तर करेगी। इस उपलक्ष्य में आज भोपाल से पधारे बिशप आनंद मोन्थागिल ने जल वितरण प्याऊ का उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद एंड्रयू ने बताया कि राष्ट्रीय ईसाई महासंघ द्वारा हवाबाग चर्च के सामने प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद दीनदयाल चौक, रानीताल चौक, कैरवस सिविल लाइन में प्याऊ और ठंडाई की व्यवस्था की जाएगी। जिला अध्यक्ष ईसाई संघ के सैमुअल जेम्स ने कहा कि सूखे कंठों के लिए पानी पिलाना बड़ा ही पुण्य का काम है और ईश्वर ने हमें यह नेक काम करने के लिए अवसर प्रदान किए हैं। निःशुल्क जल वितरण ठंडाई के मौके पर बिशप आनंद मोन्थागिल, आरडी लाल राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष ईसाई महासंघ सैमुअल जेम्स एडार के लाडिया, विजय सिडनी, क्रिस्टोफर एडवोकेट क्रिस्टोफर, अभिषेक रॉबिन्सन, जॉनसन पीटर, लाल डोमिनिक नागराज, श्रीमती शीला सेंटियानो आदि उपस्थित रहे। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ सीनियर सिटिंग का एक विंग है और राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के ही तत्वावधान में आज मसीह समाज की ओर से ये प्याऊ का उद्घाटन हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे आदरणीय बिशप आनंद मोन्थागिल के माध्यम से। और ये पूरे समाज की ओर से हमारी एक पहल है कि जो राहगीर यहाँ से निकलते हैं इस भीषण गर्मी के टाइम पर पानी का कई जगह पर इस्तेमाल नहीं हो पाता है और ना ही लोग ऐसी जगह पर कुछ करते हैं, लेकिन ये हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कहाँ करें, किस जगह पर करें। पहले हमारा था कि कैरस के सामने हम करें, पर वहाँ पे हमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम हवाबाग चर्च के सामने करें, यहाँ पर हमको बाकी चीज़ें जैसे पानी, पाइप, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, तो हम इस जगह पर कर रहे हैं ताकि यहाँ से जो जनता निकलती है और जो राहगीर निकलते हैं वो जिस रूप में भी उनको लगता हैगा कि हमको प्यास लगी तो यहाँ पर रुककर आराम से पानी पिएं और आगे बढ़ें। सर, और कहाँ कहाँ आप इसका आगे हमारा दीनदयाल चौक, रानीताल चौक, कैरब और पेंटी नाका, ऐसे अनेक जगह पर हमारा प्लानिंग है। ईश्वर की जो मर्जी होगी बिल्कुल हम करें। मेरा नाम अरविंद कुमार एंड्रू, मैं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ सीनियर सिटीजन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।